अच्छे लगते हैं कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पीहू चाहती है कि वो गणेश चतुर्थी का त्योहार सिर्फ राम के साथ नहीं बल्कि राम और प्रिया दोनों के साथ सेलिब्रेट करें। इसी थॉट के चलते अपने गन्नू जी को लेकर पीहू सड़क पर निकल जाएगी और उसके बाद रास्ता भटक जाएगी। सड़क के बीच में वो गणपति बप्पा से बात करती नजर आएगी और उनसे कहेगी कि वो चाहती है कि वो मिस्टर खड़ूस और मिस सूद दोनों के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करे। वो ये भी कहेगी कि मैं मिस सूद को बता दूंगी कि मैंने ये आटा चुराया था गन्नू जी बनाने के लिए, लेकिन आप उन दोनों को मेरी फैमिली बना दो। जिसके बाद सड़क पर अचानक से गाड़ियां आने लग जाएगी और पीहू को समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ पर जाए। इतने में एक कार उसके काफी ज्यादा नजदीक आने वाली होगी कि तभी दूर से राम और प्रिया उसे देख लेंगे। दोनों इस तरह से पीहू को सड़क के बीच में खड़ा देख काफी ज्यादा घबरा जाएंगे और जोर से पीहू का नाम पुकारेंगे, जिसके बाद दोनों पीहू की तरफ भागते हुए आएंगे। प्रिया जैसे ही पीहू के नजदीक पहुंचेगी वो गाड़ी के आगे से पीहू को हटा देगी और साथ में राम आकर उसे पकड़ लेगा। दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे कि पीहू को कहीं कोई चोट तो नहीं लग गई। प्रिया उस गाड़ी वाले के ऊपर भी काफी ज्यादा चिल्लाएगी, लेकिन पीहू बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी कि गन्नू जी ने उसकी एक ही विश थी वो भी पूरी कर दी। इसके अलावा आरती के टाइम भी वेदिका कोशिश करेगी कि वो राम के साथ गणपति बप्पा की आरती कर सके, लेकिन पीहू यहाँ पर भी अपनी मम्मा यानी कि मिस सूद को ले आएगी और ये तीनों साथ में मिलकर एज फैमिली गणपति बप्पा की आरती करते नजर आएंगे।